कृषि कानून के खिलाफ बीते एक साल से चल रहे आंदोलन लगभग अब स्थगित होने की कगार पर है। मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब। राकेश जी, कहीं ना कहीं आप और सरकार के बीच जो आप कह रहे थे लगातार कि सरकार बातचीत करे, वो हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, क्या आज आप लोग आंदोलन स्थगित कर सकते हैं? अभी जो पेपर हैं वे आ जाएं और जब लिखत पढ़त में पेपर आ जाएंगे उसके बाद ही इस पर पूर्ण रूप से विचार होगा। क्या अभी तक सरकार की तरफ से जो मसौदा आया था वो आधिकारिक रूप से अभी तक नहीं आ पाया? अभी आधिकारिक रूप से नहीं है, वो सिर्फ कच्चे पेन से भी लिखाई चल रही, उसको लेटर पैड पे आ जाए, सरकारी मोहर लगता आ जाए एक बार। जो सरकार ने मसौदे भेजे, क्या आप एक एक पॉइंट से संतुष्ट हैं? क्योंकि आप लोगों ने वही मांग रखी अपनी, MSP हो गया, मुआवजा हो गया और जो मुकदमे थे वो वापस होना, तो आप लोग बिल्कुल सरकार से सहमत हैं या कहीं ना कहीं आप लोगों में अभी भी जो है इस बात में थोड़ा सा एतराज है कि नहीं ये चीज़ और होनी चाहिए? सहमति नहीं, समझौता है। सहमति पूर्ण रूप से करना वो एक अलग है और एक समझौते पाना वो दोनों अलग है। उसमें समझौता हो गया है, कुछ छोड़नी पड़ती है, कुछ लेनी पड़ती है चीज़ें, तो एक समझौता हो गया और जो 5 लोगों ने समझौता कर दिया और उसको हम मान रहे हैं। आपने कहा कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव था उसके अंदर आप लोगों की मांगों में से कुछ चीज़ें रह भी गई हैं, जैसे लखीमपुर खीरी का मामला था। बहुत सी चीज़ें रह रही हैं अभी, बहुत सी चीज़ों पर बातचीत होती रहेगी। एक ही है कि आंदोलन तक कोई चीज़ें वापसी हुई हैं तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है साहब, कुछ महीनों में चुनाव हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, आप लोग मिशन यूपी का आगाज़ जो है कर रहे हैं, तो क्या अब इसके बाद आप लोग थोड़ा सा नरम पड़ेंगे सरकार के प्रति? अभी ये जिस दिन चुनाव आचार संहिता घोषणा होगी तो जब हम बताएंगे पूर्ण रूप से। अच्छा, अभी आप लोगों ने कुछ तय नहीं किया है? अभी तय नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि सरकार के प्रति जो है जनता में और किसानों में आक्रोश है? है, क्योंकि सुधार में डायरेक्ट सुधार वाली चीज़ें नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर देखा तो बिजली बहुत महंगी उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तर प्रदेश लेवल पे तो कोई बातचीत हुई नहीं और हम चाहेंगे कि कुछ मुद्दों के साथ में अभी हम जल्दी ही वहाँ की सरकार से, वहाँ के मुख्यमंत्री से इस संबंध में एक मीटिंग करें, क्योंकि एक साल से हमने कोई मीटिंग वहाँ पर नहीं करी। जब से यहाँ पे आंदोलन चल रहा था तो हमने मीटिंग नहीं वहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार की आप तरफ से आप लोगों के साथ किसी तरीके की कोई वार्ता की गई है, या क्योंकि पिछली बार आपने देखा गया था कि आपने बड़ा ही सहयोग दिया था सरकार को, इस बार क्या इस तरीके की कोई पहल? अभी जो लखीमपुर खीरी में भी हुआ है उसमें भी मुआवजा वहाँ पर नहीं दिया गया जो समझौते में था। वहाँ में गन्ने का रेट का एक बड़ा सवाल है, गन्ने का भुगतान का भी बड़ा मामला, बिजली के रेट वहाँ पे सबसे महंगे पूरे देश में हैं, तो बहुत से सवाल अभी उत्तर प्रदेश सरकार से हैं। तो हम लेके टाइम जल्दी ही और वहाँ की सरकारों से बातचीत करेंगे इस संबंध में। ठीक है साहब, कल सिंघू बॉर्डर पर ये देखा गया कि अलग अलग राज्यों के किसानों को जो संगठन है उनको आप लोगों की 5 सदस्य जो समिति बनाई गई थी उनके अलग अलग लोग समझाने में लगे हुए थे, क्या जो लोग हैं अलग अलग राज्यों के उनको कहीं ना कहीं किसी बात पर एतराज़ था जो इस तरीके से समझाया जा रहा था? एतराज रहता है, बहुत सी चीज़ों पे रहता है एतराज, वे नहीं होती, लेकिन जब बड़े लेवल पर समझौता होता है को कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं, ये और जिसकी जो डिमांड रहती है वो ये सोचता है कि मेरी बात ये इसमें रखी जाए फोन से बने, तो ये बहुत सी बातें अभी रहेगी। हरियाणा के भी स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मसले हैं वे रहे हैं, वो यहाँ के बाद में वहाँ की सरकार से भी बातचीत कर उनका कैसे उनका समाधान होगा वो भी एक करवाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि कुछ ही वक्त बाद जो है आप लोग एक बड़ा फैसला कर सकते हैं ये उम्मीद लगाई जा रही, तो क्या किसान दिल्ली मोर्चों से जब जाएगा तो क्या एक जश्न के साथ जाएगा, एक शक्ति प्रदर्शन करके जाएगा या शांतिपूर्ण तरीके से? शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, कोई जश्न को नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से जैसे नॉर्मल रूटीन में आए हैं
वो गए। इसमें ना कोई ज़्यादा जश्न की ज़रूरत है, ना इसमें लाभ और ना हानि की ज़रूरत है। एक समझौता हुआ है, एक बड़ा संघर्ष में जीवन इन किसानों का रहा है, 1 साल बड़ा योगदान रहा है, फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान झेल रहा है, फसलों पर भी जो काम करना था वो नहीं इनका हुआ, उसमें भी नुकसान हुआ। लेकिन यह है कि एकजुटता की मिसाल बनी, वो इन्होंने दी, यहाँ से वो चीज़ें भी हम लेकर जा रहे हैं। जो आप लोगों के बीच में पहले जो एक सामुदायिक जो भेदभाव था वो भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन से मिटा है। हाँ, पूर्ण रूप से मिटा है और आपस का मेलजोल, हर जाति धर्म का मेलजोल बढ़ा। जो किसान वर्ग था वो किसी भी जाति धर्म से स्टेट से हो, उसने एकजुटता होने की कोशिश करी और वो इकट्ठा हुआ। अब क्योंकि आप पश्चिमी बेल्ट से आते हैं तो आपके कंधों के पर जो है इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इस आंदोलन को जीत के जाने के बाद, तो क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे अपने इलाके में कि सभी लोग मिल बात कर रहे हैं, भाईचारे के साथ रहें? बिल्कुल शांति से रहेंगे सब लोग, और पहले भी रहते आए, और हमेशा शांत ही रखें व्यवहार को, और अपना जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, उस पर चर्चा करते रहे। समाज में कोई घटित काम हो रहा है, कोई घटिया काम हो रहा है, उसकी जानकारी दे, उसके खिलाफ अधिकारियों से बातचीत करें, अपने समाज में बातचीत करें, और यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी के साथ में लोग जाएंगे, और वो लगता है कि वो समाज में एक अच्छा प्रदर्शन अपना जो सीख कर गए उसका करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक शिक्षक साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं आज एक बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। साथ ही यहाँ से जब किसान जाएंगे तो जश्न नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से वापस जाएंगे। मोहम्मद शोएब, INS TV।